बहराइच में पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले दलित प्रधान की हत्या के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं। बता दें कि दलित ग्राम प्रधान की हत्या के 45 दिन बीत जाने के बावजूद भी उनके हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस वजह से नाराज परिजनों के साथ सावित्रीबाई फुले भी कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरने पर बैठ गई हैं। वहीं सावित्रीबाई फुले का कहना है कि प्रधान की हत्या के मामले में अभी तक कोई निष्पक्ष जांच या कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे पीड़ित परिवार 29 तारीख से धरने पर बैठा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि पुलिस प्रशासन द्वारा परिजनों पर ही दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हत्यारों को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। जब से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार आई है, तब से लगातार दलितों का शोषण हो रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी आरएसएस की सरकार जब से केंद्र और प्रदेश में बनी है, तब से पूरे देश में हत्या, बलात्कार, बड़ी घटनाएं, जघन्य घटनाएं हमारे अनुसूचित जाति के ऊपर हो रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण बहराइच के करनिया ग्राम पंचायत के वर्तमान प्रधान जी की गोली मार करके हत्या कर दी गई और हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई और उल्टा ही पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार के लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और जिन लोगों ने हत्या किया है उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं की गई है। ये बहराइच की कोई एक ही घटना नहीं है, बहराइच के ही प्रयागपुर में ग्राम प्रधान के चुनाव में सामान सीट पर चुनाव लड़ने से धर्मेंद्र चौधरी की हत्या कर दी गई, उसमें भी अभी निष्पक्ष जांच नहीं कराया गया। पखरपुर में दो लड़कियों के साथ में रेप हुआ है, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथियों, ये जघन्य अपराध हो रहे हैं और जनपद बहराइच में जिन लोगों ने अपराध किया है उनका संरक्षण कहीं न कहीं भाजपा की सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, जिसके कारण दबाव में आकर के पुलिस प्रशासन उनकी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। वहीं पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले ने हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। जरवल रोड थाना क्षेत्र के करनेडीह गांव निवासी द्वारिका प्रसाद राव इस बार प्रधान चुने गए थे। बीते 17 जून को वो अपने घर के बरामदे में सो रहे थे। आरोप है कि सोते समय अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया था। लखनऊ में इलाज के दौरान ग्राम प्रधान की मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन लगभग 45 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस खुलासा नहीं कर सकी है और परिजन न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बहराइच से मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।